आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रयाग विधि महाविद्यालय BULLB सेकेंड सेमेस्टर. सब्जेक्ट इज इंग्लिश. सो टुडे वी विल गो थ्रू द टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस क्या होता है? जब कुछ शब्दों को मिला करके हम कुछ समझने वाले वाक्य को हम पढ़ें तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अगर हम हिंदी में उसे बताएंगे तो इस तरह से हम सेंटेंस को बता सकते हैं. तो वर्ड्स क्या है? शब्द हैं. और सेंटेंस हमारा क्या है? वाक्य है. अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है इससे पहले. सब लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. तो जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है हमारा? द स्टेटमेंट विच एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और नॉर्मली क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले आ जाएगा. ठीक है. इसका पहचान यही है. एंड इट ऑल्सो कॉन्वेज इन्फॉर्मेशन. कुछ हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ सूचना मिलती है इस शब्द से, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. जैसे कुछ एग्जाम्पल में मैंने लिया है, माय डॉग इज सिक, है ना. दूसरा है, इट्स अ नाइस डे, सीता प्लेज द सितार, वेयर इज़ द रेड बिल्डिंग. अब यहाँ पे वेयर इज़ द रेड बिल्डिंग है ना, रेड बिल्डिंग के आगे एक क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. कहीं से कोई हमें सूचना मिल रही है या सिंपल एक सेंटेंस है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस वाक्य से, तो हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. अगर हम दूसरी तरफ दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट. कोई हमें कमांड देता है या रिक्वेस्ट करता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. कमांड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमांड का मतलब होता है निर्देश देना, है ना. रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी कोई चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और ज़्यादातर क्या है? फुल स्टॉप होता है. लेकिन कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी मिलेगा और क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा कहीं कहीं पे. नॉट एवरीवेयर बट समटाइम्स यू विल गेट दैट. लाइक कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जैसे इट्स टू डेंजरस टू ट्रेवल दैट प्लेस, है ना. आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, ब्रिंग मी दैट बुक, है ना. ये तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा होगा कि ब्रिंग मी दैट बुक है तो कमांड है. अभी यहाँ पे आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट, इट्स एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. दैट मीन्स कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके समझ से ज़्यादा मिल गया है ना आपको, या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है. ठीक है. तो हम अचंभित जिसे कहते हैं, है ना. सिंपल सेंटेंस में अगर हम बोलें तो अचंभित. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. तो ये कुछ दो सेंटेंसेस है. आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एवरीबडी नोज कि क्या है. जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होते हैं या नेगेटिव क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. ठीक है. उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसा कि अभी हमने कुछ जगहों पे मैंने इसमें देखा भी है कि इंपरेटिव में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ओके. सो वी विल गो थ्रू इट लेटर इन द वीडियो. फॉर द टाइम बिंग स्टे होम स्टे सेफ. थैंक यू.